गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार फिर आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आप सबका स्वागत करता है हमारे इस ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से एक खगोलीय घटना को, एक सेलेस्टियल अरेंजमेंट को आपके तक लाने के लिए। ये सेलेस्टियल अरेंजमेंट कैसे है, ये बात हम इस कार्यक्रम में करेंगे और आपको प्रयोगात्मक रूप से डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आज जिसे जीरो शैडो डे कहा जा रहा है हमारे भोपाल के लैटिट्यूड के लिए, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल हर बार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और इवेंट्स आपके लिए लेके आता है। चूंकि हम अभी कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स और एसओपी को पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें आशा है कि ये सब आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे। और आज का दिन हम भोपाल वासियों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि आज जो भी वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसकी शैडो लगभग 12:24 के आसपास जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब शैडो वैनिश हो जाएगी, या आप उसको सही मायने में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझेंगे, जिसे हमारी टीम मिस्टर साहू आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एंड स्वप्निल उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप जो जो अरेंजमेंट सामने देख रहे हैं ये एक प्रोजेक्शन अरेंजमेंट है। अभी जो भी ऑब्जेक्ट की आप शैडो देख रहे हैं ये सर्कुलर पाइप्स हैं अलग अलग हाइट के, और उनके हिसाब से उनकी जो रिम है, उनकी जो एज है आप देख रहे हैं वो अभी मोटी है, ठीक है। आप मेरे बाजू वाले व्यू में आप देख पा रहे होंगे, ये क्लियरली बता रहा है कि सन अभी भी एग्जैक्टली हमारी जेनिथ पे नहीं आया है, यानी ओवर द हेड। जैसे ही भोपाल के लैटिट्यूड के हिसाब से सन ओवर द हेड आ जाएगा, जेनिथ पॉइंट पे आ जाएगा, तो एग्जैक्टली उस समय जब मेरिडियन से होके गुजर रहा है, यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा हमारे आकाश में जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और बिल्कुल हमारे सिर यानी जेनिथ पॉइंट से होकर गुजरती है, तो जब सूर्य उस पॉइंट पे आएगा तो उसके कारण नीचे पड़ने वाली जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो है वो लगभग इनविजिबल हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी। हालांकि वो ऑब्जेक्ट की अगर आप शैडो ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे तो उसके नीचे तो रहेगी, लेकिन साइड में क्योंकि कोई भी एंगल नहीं होने के कारण उस ऑब्जेक्ट का अपनी सरफेस के साथ 90 डिग्री होने के कारण नहीं दिखेगा, हम जिसे जीरो शैडो डे कहते हैं। अभी कुछ ही मिनटों बाद वो घटना आप इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये सेलेस्टियल अरेंजमेंट कैसा है कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की तरफ जा रहा था, 21 जून को पहुंचा, यानी जो हमारे उज्जैन से होकर गुजरती है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उज्जैन से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो अब सन 21 जून को समर सोल्स्टिस के बाद लौट रहा है हमारे दक्षिण गोलार्ध की तरफ। तो इस प्रोसेस में वो वापस गुजर रहा है अलग अलग लैटिट्यूड से। तो आज दोबारा यानी 13 जून को ये घटना एक बार भोपाल से हुई थी, जब सन हमारे साथ से ऊपर से कहां गुजर पहुंच रहा था, उज्जैन, यानी कि समर सोल्स्टिस 21 जून की तरफ। अब दोबारा सन लौट रहा है, तो आज 29 जून को विज्ञान केंद्र, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आपके लिए खास कार्यक्रम लाया है। आप सब इसका पार्टिसिपेट करें, अपने मन में जो भी दुविधाएं हैं, डाउट हैं, क्वेरीज हैं इससे जुड़ी हुई हमारे तक पहुंचाएं, और ये समझने का प्रयास करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही क्यों ये घटनाएं घटती हैं, बाकी के जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारी अर्थ पे, यानी ऐसे बहुत से कॉन्टिनेंट हैं या कंट्रीज हैं जो जीरो शैडो डे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाती हैं, तो आखिर वो मिनिमम शैडो क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या होता है, ये सब चीजें हम समझेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं हमारे कलीग, मैं साकेत सिंह कौरव, क्यूरेटर आंचलिक विज्ञान केंद्र, हमारे कलीग मिस्टर एनबी साहू से बोलूंगा कि वो थोड़ा इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरेक्शन आपके साथ करें, ताकि आप इस चीज को बेहतर समझ सकें, फिर हम बीच में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहेंगे। स्वप्निल मिस्टर साहू को बोलें तो वो इंटरेक्शन शुरू कर सकते हैं। मिस्टर साहू को शायद वेबकैम के पास आने के लिए बोलिए, उनकी आवाज क्लियर नहीं है।
वो पूरा हमारा लैटिट्यूड का साथ में पूरा बराबर बनता है। इसलिए कोई भी वस्तु का स्ट्रगल नहीं बनना चाहिए। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं, सबल्स होते हैं। तो मैं जो एग्जिबिट का पास पर खड़ा हूँ तो उसका ऊपर में तीन पाइप्स होते हैं, अलग अलग डायमीटर का तीन पाइप्स होते हैं। और उसका जो शैडो पूरा पूरा ओवरऑल है, उसका जो शैडो है नीचे जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन को आप देख लीजिए, स्क्रीन में उसके शैडो को आप देख लीजिए। तो नॉर्मल टाइम में, बाकी टाइम में तो उसका शैडो हम देखते हैं, किसी भी वक्त का शैडो देखते हैं, पाइप पे भी शैडो हम देखेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि तीन शैडो जो होता है, शैडो तो वैनिश हो गया, लेकिन वो पाइप का जो तीन रीम होता है, तीन एज होता है, सिर्फ एज का जितना शैडो होता है वही शैडो आता है। तो पाइप का जो बाकी सारे जो शैडो होता है, शैडो बिल्कुल वैनिश हो गया। इसका मतलब यही इसका वजह यही होता है कि सूरज डायरेक्टली ओवरहेड है। तो एक अभी जो घटना होता है, सूरज अभी भोपाल का ऊपर में डायरेक्ट उसको वाला जाने वाला है, सूरज अभी डायरेक्टली ओवरहेड है। तो पाइप का अभी नल है, नल का अभी शैडो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। और बाकी आप देख लीजिए और एक सदस्य हम दिखा रहे हैं, इसमें हमारा साइंस सेंटर का जो नाम होता है कट करके हम रखे हैं, कट सेक्शन इसका रखे हैं। जो बाकी वाला दिन में आप इसका जो इमेज आता है, शैडो आता है, तो तिरछा आता है। नीचे तो स्क्रीन है, स्क्रीन को भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो स्क्रीन है तो स्क्रीन में भी आर ए सी बी का शैडो को भी आप देख लीजिए, तो आप बिल्कुल आर ए सी बी क्लियर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि सूरज पूरा ओवर है, ऊपर में है, सीधा है। बाकी वाला दिन में जब इसका तिरछा है तो शैडो की तरह तिरछा आएगा, वो लेटर में क्लियरली मैसेज होगा नहीं, लेटर में क्लियरली डिस्टिंग्विश कर नहीं सकेंगे जब इस शैडो का तिरछा आएगा। लेकिन आज का जो दिन होता है तो सूरज जो कि बिल्कुल ओवरऑल है, सबका पर्व बिल्कुल है, तो उसका जो शैडो है तो शैडो फिर वर्टिकली गिरता है। तो वर्टिकली नीचे जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, तो स्क्रीन है, स्क्रीन का ऊपर में हम शैडो देखते हैं आर ए सी डी, उसको क्लियर हम पढ़ सकते हैं। तो ये प्रमाण है कि सूरज ऊपर में वर्टिकल ओवरहेड है। ये हमारा दूसरी रिजल्ट है। और दूसरे जो रिजल्ट होता है, आप देखिए ये जो कॉनिकल चीज होते हैं, कॉनिकल चीज होते हैं, उसका शैडो गायब हो गया, बिल्कुल भी उनका शैडो नहीं है। तो बाकी वाला दिन में जो सूरज दिखता है उसको शैडो कास्ट होता है ग्राउंड जमीन पर, लेकिन आज तक बिल्कुल ही ओवरहेड है, तो जीरो शैडो हमें मिलता है। तो इन दो आपको स्थापित किया है हमारा सत्तर में डायरेक्टली अंडर द सन बहुत अच्छा लग रहा है, सामने स्मार्ट सिटी रोड भी लगा हुआ। और जो सत्तर टावर में है ये तीन प्रदर्श को आप देख लीजिए, ये कलर होता है, एक प्रिंट ठीक होता है, उसका पर में तीन पाइप है अलग अलग है, उनका कैडो कितना होता है जानने के लिए। स्वप्निल एक नेक्स्ट सीन में इसको सेपरेटली एक स्क्रीन पे ले लो। सूरज जो हमारा घुमक जो रेखा होता है, तो सूर्य मिलते हैं, तो सूर्य से सूरज
उत्तर की ओर चली जाती है और फिर उसी तरह का वो वापस लौट आता है, तो फिर दक्षिण का ओर उसका यात्रा शुरू होता है। अभी भोपाल के लिए 12:24 पर जीरो शेडो डे रहेगा, तो इट्स ऑलमोस्ट 12:26, तो इस समय हमें जो शेडो की लेंथ है वो सबसे कम रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे सभी दर्शक जो इमेज बन रही है, जो शेडो बन रही है, उसको देखने का कष्ट करें प्लीज, क्योंकि ऑलरेडी जीरो शेडो डे हो चुका है भोपाल के लिए। तो इस समय जीरो शेडो डे पे शेडो एकदम नहीं के बराबर दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो अभी आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इलॉन्गेटेड ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, उसको आप देख उनकी छवि, उनकी शेडो को देख पा रहे हैं, उनकी छवि को देख पा रहे हैं। उसको कैमरे को थोड़ा व्यू को नीचे करिए, शेडो वाला पार्ट जो प्रोजेक्शन है वो हमारे विजिटर्स को दिखना चाहिए। स्वप्निल, स्वप्निल थोड़े दूर से वो प्रोजेक्शन दिख नहीं रहा है अच्छे से, थोड़ा पीछे दूर करो कैमरे को, हाँ नीचे की तरफ करो कैमरा, नीचे की तरफ, हाँ कि जो हमारे मिस्टर साहू आपसे बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को हम और क्लैरिफाई करना चाहेंगे और बेहतर तरीके से आप समझ सकें। हो सकता है कि टेक्निकल ग्लिचेस के कारण आपको उनकी आवाज में एकदम क्लियर नहीं आ पा रही हो उनकी आवाज, तो हम क्षमा चाहेंगे, बिकॉज ये एक ओपन एनवायरमेंट है, माइक्रोफोन हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज भी पकड़ रहा हो। दरअसल बात यह है कि हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टर्न है, और यही एक कारण है कि सन अपनी जगह पे स्टेशनरी होने के बावजूद जब अर्थ हम पूरे 12 महीनों में अपने सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है, तो कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन अर्थ की सन की तरफ होता है, तो कभी 6 मंथ में सदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रोसेस में आप देखते हैं कि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव होते हुए हमें अपनी अर्थ से, हमारे जहाँ से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हमें लगता है कि सन स्काई में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये घटना लगभग आप हर बार नोटिस करते हैं, वर्नियर इक्विनॉक्स की बात जैसे कि मिस्टर साहू बोल रहे थे, हम मार्च में करते हैं, फिर हम समर सोल्स्टिस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जून को यानी सबसे बड़ा दिन जिस दिन होता है, यानी सन एक्सट्रीम नॉर्थ में पहुँचने के बाद फिर हम धीरे धीरे सन वापस आना शुरू होता है, फिर विंटर इक्विनॉक्स होता है, फिर सोल्स्टिस आता है दिसंबर में। इस पूरी प्रोसेस में जो भी ये घटना घट रही है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि 23.5 यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की आप बात कर रहे हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में होता है। और ये जो लैटिट्यूड डिफरेंस है,
ये एक्चुअल में हमारी अर्थ का अपने एक्सिस पे उतने डिग्री टिल्ट होने के कारण होता है, और यही कारण है कि हम ये जीरो सैरोलिजिस घटना का नाम ले रहे हैं। ऐसे तो हर लैटिट्यूड पे इस पूरी रेंज के बीच में कभी ना कभी एक ऐसा दिन आता है कि कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट, वो इमेज बिल्डिंग हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, अगर सन उसकी ओवरहेड है तो उसकी शैडो फॉर्म नहीं होती है। तो अब आप इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से कितना चीज़ें समझ सकते हैं कि हम सेलेस्टियल मूवमेंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, शैडो के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से स्काई में हमारा जो खुद का स्टार है, हमारी अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार सन है, वो किस तरीके से अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है। और अगर आप इसको अर्थ के बाहर जाके इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो अर्थ कैसे सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और ये एंगल 23.5 अप्रॉक्सीमेटली वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो अब आपको ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि हम जो बड़े बड़े साइज के हमने जो पाइप लिए हुए हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, वो उनकी शैडो आपने देखा तो 12-24 पे ख़त्म हो गई। यानी 12-24 वो टाइम था जब सन भोपाल में ओवरहेड पे था। तो अब आप कहेंगे कि सिर्फ भोपाल में नहीं जी, ये लैटिट्यूड है, वो उस लैटिट्यूड पे जो भी डे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं उस लैटिट्यूड भोपाल से गुजरने वाली लैटिट्यूड, यानी उस लैटिट्यूड से 23 point something है, जो एग्जैक्टली 23.5 नहीं है जो कि हमारा उज्जैन है। तो उस लैटिट्यूड पे जो भी शहर स्थित हैं वो सब जीरो सैटेलाइट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसी समय में। तो आप देखते हैं ये वेरिएशन होता है, और भारत के साथ ये बड़ी क्या बोलते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव ऑब्जर्वेशनल अपॉर्चुनिटी होती है कि भारत का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में अगर आप देखें तो इक्वेटर बहुत नीचे है श्रीलंका के, और आगे नीचे तो आप देखेंगे उसके नीचे, यानी हम इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मैक्सिमम पार्ट ऑफ आर कंट्री इज कवर्ड। तो सिर्फ उज्जैन के ऊपर के जो शहर हैं लैटिट्यूड में अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, तो आप देखेंगे जो भी सिटीज हैं या लोकेशंस हैं वो कभी जीरो शैडो ऑब्जर्व नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस सेलेस्टियल अरेंजमेंट, यानी वो मिनिमम शैडो, यानी वो अलग ऐसे पर्टिकुलर डे पे जब सन बिल्कुल क्लोजली उनके ओवरहेड तो नहीं होगा, थोड़े बाजू से गुजरेगा तो वो मिनिमम शैडो फॉर्म करेंगी। तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, और आपको जान के ये शायद हैरानगी भी होगी कि जो भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन हैं वो जीरो सैटरडे नहीं ऑब्जर्व कर पाते उनकी जियोग्राफिकल लोकेशंस के कारण, चाहे वो यूरोप हो, रसिया हो, मोस्ट पार्ट ऑफ द चाइना हो, अमेरिका हो, जापान। मैं चाहूँगा कि मिस्टर साहू और स्वप्निल इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत समझाने का प्रयास करें, फिर हम इस प्रोग्राम को समापन करेंगे। अगर प्रश्न कुछ होंगे तो हम विजिटर से प्रश्न भी लेंगे। स्वप्निल स्वप्निल सीन चेंज कर सकते हो, इसकी शैडो आपको दिखाई देने लगेगी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।
एवं साथ ही और साथ ही चूंकि हम बार बार जीरो शैडो डे की बात कर रहे हैं, तो जो बीच में शब्द आ रहा है शैडो, शैडो अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है और शैडो की साइंस की अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। बेसिकली क्या होता है शैडो, क्या होता है उसको हम थोड़ा सा जस्ट बताने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कुछ इंटरेक्टिव टूल्स के माध्यम से कि किस प्रकार आप अपनी जगह पर, आपका जहाँ कहीं भी भारत में या भारत के बाहर कहीं भी आप जहाँ से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप कहाँ से अपनी लोकेशन पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जीरो शैडो डे आखिर में कब होगा। तो थोड़ा सा शैडो के बारे में बात करते हैं। ये अभी हमारे पास सन जो है, सन कहीं ऊपर है, ठीक है, तो कोई भी लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स और सरफेस पे, सरफेस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये टेबल हमारे पास सरफेस है और ऊपर ये हमारा लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स और सरफेस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो लाइट की, जो इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, जो लाइट रुकेगी, उसकी वजह से सरफेस पर एक आकृति बनती हुई हमें प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो के नाम से जानते हैं। तो शैडो के लिए आप शैडो को, शैडो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिफिक फिनोमेना है जो हम डेली लाइफ में देखते जरूर है बट उसको अनुभव नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से आज हम लोगों ने जीरो शैडो डे का कार्यक्रम का भी आयोजन किया और साथ में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की कि वास्तव में शैडो क्या होती है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो वो मैंने कोशिश की आपको इसको इस माध्यम से समझाने की। अब इसी क्रम में, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए और समापन की ओर आगे बढ़ते हुए, मैं आपको कुछ मैप्स के माध्यम से, कुछ टूल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी लोकेशन पर जीरो शैडो डे को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब यहाँ पर होगी एग्जैक्ट टाइम। तो जस्ट फॉर अ सेकंड, आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख पाएंगे, मैंने दो मैप के माध्यम से इनका कर्टसी टू श्री आलोक मांडवगने जी, जिनके माध्यम से हम ये इस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको जस्ट अपनी लोकेशन डालनी है और आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि स्वप्निल वो दिख नहीं रहा है इसके अभी। हाँ, अच्छा शायद दिखेगा। ओके सॉरी, शायद थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई। यस हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि इस इंटरैक्टिव मैप की मदद से, इस वेबसाइट की मदद से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब आपकी लोकेशन पर कब जीरो शैडो डे होगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भोपाल डालूँ तो भोपाल में आप देखेंगे तो ये मैप पर आपको बता रहा है कि दो दिन हम जीरो शैडो डे देख सकते हैं, 13 जून जो कि बीत चुकी है 12:20 पे, और 29 जून यानी कि आज के दिन 12:24 पे हमने इस अद्भुत खगोलीय घटना का अवलोकन आप सभी के माध्यम से, आप सभी जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप यहां पर अपनी जगह पर डाल करके, अपनी जगह डाल करके कहीं पर भी आप पता कर सकते हैं कि कब जीरो शैडो मनाया जाएगा। तो अब 6 जून और अगला जो जीरो शैडो होगा वो 6 जुलाई को इंदौर में होगा 12:31 पर। तो इंदौर से जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, नियर बाई लोकेशन ही मैंने ली है, इंदौर से दो दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो 6 जुलाई को भी आप अपनी जगह पे 12:31 पर, ठीक 12:31 पर आप सूर्य के सामने खड़े होकर के, वर्टिकली खड़े होकर के, एक पोल के तरह आप अपनी सबसे न्यूनतम छाया यानी कि सबसे जो कम वैनिश होती हुई छाया को आप देख सकते हैं। और अगर अच्छा, चारों महानगर आप दिखा दो, चारों हमारे भोपाल के अलावा इंदौर की सबके टाइम दिखा दो, ग्वालियर जबलपुर। ओके, तो ग्वालियर भोपाल का तो हमने बता दिया। जी, ग्वालियर का चलते हैं। तो ग्वालियर पर देख सकते हैं आप क्या लिख कर क्या रहा है, नो जीरो शैडो डेज हेयर। यहाँ पर आप जीरो शैडो डे नहीं पाएंगे और मिनिमम शैडो डे जो होगी वो होगी आपकी समर सोलस्टिस जिसको कहते हैं, वो 21 जून को 12:19 पर। और अभी हम जबलपुर चलेंगे, मतलब वर्चुअली जबलपुर चलेंगे, और जबलपुर पर ये कुछ इस तरह का रहेगा, यानी कि कल 12 जून 12:10 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और कल यानी कि 30 जून 12:24 पर। तो ये आप जो देख रहे थे, ये हमारे टीम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे जीरो सैटरडे को आप अलग अलग लोकेशंस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने जैसे पहले भी समझा कि 23.5 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर जाने के बाद हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वही कारण है कि ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न हिस्से में है। अगर नॉर्दर्न मध्य प्रदेश की बात करें टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ आर कंट्री, तो वहाँ पर ये 23.5 से ऊपर है।
तो इस कार्यक्रम का समापन शायद कर सकते हैं स्वप्निल, अब हम जस्ट एक मिनट मैं और लूंगा सर। दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि आप ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, मैंने बताया कि ये श्री आलोक जी द्वारा बनाई गई वेबसाइट है alokm.com rightslate.zsd.html। और सबसे ब्यूटीफुल क्या है कि आप अपने मोबाइल फोन में इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आप इस समय मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल ऐप है जीरो शैडो डे, इसमें भी आप अपनी लोकेशन को डाल करके जीरो शैडो डे आपकी लोकेशन पर कब होने वाला है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ इंटरेक्टिव टूल के माध्यम से भी अपनी जीरो शैडो डे की अंडरस्टैंडिंग को आप समझ सकते हैं। तो अच्छा, तो इस बात के विराम के साथ ही स्वप्निल मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुमने एक बात का जिक्र किया था, आप बोल रहे थे कि एक शैडो की अपने आप एक साइंस है, तो अगर हम यहाँ जीरो शैडो डे को रैप अप कर रहे हैं तो हम जरूर ये बताना चाहेंगे। हालांकि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पेज पर भी अगर आप जाएंगे तो ये जो जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर का जो खुद इस इंटरेस्ट रखते हैं और उनके आउट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने ये ऐप और वेबसाइट डेवलप की है मिस्टर आलोक ने, वो उसकी जानकारी आपको वहां से भी मिल सकती है। शैडो की बात करें तो शैडो के लिए जैसे कि स्वप्निल ने आपको एक किसी भी लाइट सोर्स और सरफेस के बारे में बात कर रहे थे कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो शैडो फॉर्म होती है उसके दूसरे साइड में, तो आपको यह समझना होगा शैडो की डेंसिटी जो है मतलब कितनी डार्क है कितनी लाइट है ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के जो भी पार्टिकल्स हैं गैसेस हैं और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है ये सब चीज़ें, और एटमॉस्फेयर है या एटमॉस्फेयर नहीं है। अब इसी शैडो में आप आराम से देख पा रहे हैं हमारा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के जो एब्रिविएटेड फॉर्म में RSCB और सन लिखा दिख रहा है आपको बना हुआ, इसमें भी शैडो वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं कि अंदर क्या है। अमूमन जब भी आप आपके चारों ओर देखेंगे तो शैडो के अंदर की भी चीज़ें आपको दिखती हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के कारण वो वहां पर लाइट पहुंच जाती है, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती है। इवन डे टाइम में तो सन बहुत ही पावरफुल लाइट सोर्स है, पर इवन नाइट में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ से थोड़ा आप पीछे भी देख पाते हैं, लेकिन अगर आप मून पे जाते हैं हमारे सबसे बहुत ही कच्चा वर्ड हम लोगों ने क्वाइन नहीं किया पर यूज करते हैं सेलेस्टियल कंपेनियन, और उस सेलेस्टियल कंपेनियन में अगर आप मून पे जाते हैं तो ये शैडो सबसे ज्यादा डार्क होगी, उसका कारण है कि वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो ये सब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात है कि हम जीरो शैडो के माध्यम से विज्ञान के अवलोकन को उत्साहजनक तरीके से समझने का प्रयास करें और हम परीक्षण अवलोकन और टेस्टिंग की जो एक प्रोसेस है हमारी विज्ञान की उसमें हम अपनी रुचि बढ़ा सकें। सॉरी, तो आज पूरा कार्यक्रम स्वप्निल आप मिस्टर साहू आप इसको रैप अप करें। सॉरी टू इंटरप्ट साकेत सर, एक क्वेश्चन हमारे पास हमारे फेसबुक माध्यम से आया है तो मैं चाहूंगा आप उसका आंसर करें। अगर बोलो श्री कुणाल कौरव जी पूछना चाह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल टाइम इंटरवल इन विच द जीरो शैडो डे इवेंट विल हैपन अगेन। जनरल टाइम इंटरवल की बात करना चाह रहे हैं सर कि कब दोबारा वो देखो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बट इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आपको जैसे वो आपने जो ऐप रिकमेंड किया है वो भी किसी न किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिस पे है लैटिट्यूड के हिसाब से। अब किसी भी लैटिट्यूड को डालेंगे तो सन जब वहां से गुजर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है तो जब जिस दिन वो जाता है एक तो वो दिन आपका होगा और लौट के आता है तो ये डिपेंड करता है कि आप उज्जैन यानी 23.5 से कितने नीचे हैं। तो आपका जो इंटरवल है यानी आप नागपुर में हमारा साइंस सेंटर है रमन साइंस सेंटर या हमारा साइंस सेंटर जैसे मुंबई में है नेहरू साइंस सेंटर या साउथ में हमारे विश्वेश्वरैया म्यूजियम है हमारा या हमारा कैलिकट साइंस सेंटर है, आप देखेंगे ये अलग अलग लैटिट्यूड पे, या आप कोलकाता में साइंस सिटी या बात करेंगे और नीचे जाएंगे आप जहाँ पर गुलबर्गा है या तिरुनोबल्ली है, तो आप ये सब लैटिट्यूड्स पे आप देखेंगे कि वो इंटरवल बड़ा कहाँ से होगा जहाँ से सबसे पहले सन टच कर रहा है। तो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर देखें तो तिरुनोबल्ली पहले ऑब्जर्व करता है फर्स्ट जीरो सैटरडे, तो जब सन उसके बाद से टच करता है समर सोल्स्टिस 21 जून और फिर दोबारा लौटता है तो ये बड़ा लंबा पीरियड हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तो ये जो पीरियड है दो बार होने का, एक बार सन का सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ जाते हुए और लौटते हुए यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हुए और लौटते हुए, इस प्रोसेस में ये ड्यूरेशन चेंज होगा। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते समय शायद साहू सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप सभी से उसको। हाँ मुन्नू मिस्टर साहू को बोलिए। धन्यवाद दोस्तों, पूछना मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गंगा इक्विनेक्स
बिल्कुल स्वप्निल जी सर जी, तो हमारी पूरी रांचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, सबसे हम कहना चाहेंगे, स्वप्निल आप जरा बोल दें कि हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज के बारे में। जी आप हमसे वर्चुअली जुड़ सकते हैं हमारे Facebook चैनल पे, तो जो दर्शक देख रहे हैं वो, या जो बाद में भी देखेंगे, facebook.com/rscbhopal, और अगर YouTube चैनल पर आप YouTube पर जाकर के हमें डायरेक्टली रीजनल साइंस सेंटर भोपाल लिख करके आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उसको भी, उनका भी लाभ उठा सकते हैं, और भविष्य में होने वाली भी जो प्रोग्राम है, जो इस तरह की घटनाएँ हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा, इच्छुक दर्शक कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें पेजेस को हमारे, और बस इसी के साथ हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, साकेत सर, और हाँ हमारी टीम के सभी सदस्यों का, एनवी साहू एजुकेशन टीम से, मिस्टर स्वप्निल एजुकेशन टीम से, और हमारे मिस्टर ज्ञान और सोलंकी और मायसेल्फ, आप सबको तहे दिल से नमस्कार करते हैं। आप सब हमसे यूं ही जुड़े रहें, विज्ञान को आप तक ले जाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।